आइए आज हम आकाश में रोज दिखने वाले चमकने वाले ध्रुव तारे के बारे में जानें। ध्रुव की कथा विष्णु पुराण में दी गई है। राजा उत्तानपाद स्वयंभू मनु के पुत्र थे। उनकी दो पत्नियां थीं सुरुचि और सुनीति। रानी सुरुचि उत्तानपाद की प्रिय पत्नी थी। सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम और सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव था। एक दिन उत्तम अपने पिता की गोद में खेल रहा था। 5 साल के ध्रुव ने जब यह देखा तो वह भी पिता की गोद में जाकर बैठ गया। इस पर उत्तम की माता सुरुचि ने उसे डांटा और अपमानित करके वहां से भगा दिया। ध्रुव रोता हुआ माँ सुनीति के पास गया और ऐसा माँ सुरुचि ने क्यों किया यह उसने पूछा। माँ ने बताया कि यह उसके और उसके पुत्र ध्रुव के पूर्व जन्मों का फल है, लेकिन अपने प्रश्नों का समाधान कारक उत्तर न पाने के कारण ध्रुव ने तपस्या करने का निश्चय किया और 5 वर्ष का वह छोटा सा बालक जंगल की तरफ चल दिया। नारद ऋषि ने जब इतने छोटे बच्चे को तपस्या करने के लिए जंगल में जाते हुए देखा तो वे ध्रुव के सामने प्रकट हुए और उन्होंने उसे इतना कठिन तप न करने से करने के लिए और तप से परावृत्त करने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन बालक ध्रुव नहीं माना। उसका निश्चय देख नारद मुनि ने उसे तप की विधि और मंत्र बताया। उसमें से एक मंत्र था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नन्हे ध्रुव ने कठोर तप प्रारंभ किया और अंततः विष्णु भगवान उसके सामने गरुड़ पर अवतरित हुए। भगवान को सामने पा वह यह भी भूल गया कि वह तपस्या किस कारण से कर रहा था। भगवान विष्णु ने उसके पूर्व जन्मों के सभी पापों को माफ कर दिया और उसे सप्त ऋषियों के साथ आकाश में स्थान दिया। आज भी ध्रुव तारे को हम रात्रि में आकाश में चमकता हुआ देख सकते हैं। यह और कोई नहीं स्वयंभू मनु का पौत्र और राजा उत्तानपाद का बड़ा बेटा ध्रुव ही है, जिसने अपनी छोटी सी उम्र में भगवान विष्णु को प्रसन्न किया और अपना एक अलग स्थान सृष्टि में कायम किया। अगर आपको कथा पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।